दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में निजी सुरक्षा गार्ड्स और खोमचे वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। There is one group of small business owners who are ready for the chaos of the fast-paced world. Street vendors. Street vendors हमारे शहरी जीवन का प्रमुख अंग है। देश भर में करीब 1 करोड़ 30 लाख ऐसे लोग हैं जो कि रेडी पटरी लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़ी अलग अलग घटनाएं देखी होंगी। कभी इनकी रेडी ठेला कोई सरकारी कर्मचारी पलट देता है, कभी कोई वसूली करने लगता है या कभी कुछ शरारती तत्व इनसे बदतमीजी करते हैं, हंगामा करते हैं। ऐसी ही कुछ घटनाएं पिछले 3 दिनों में राजधानी दिल्ली में भी हुई। इंडिया गेट पर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच हाथापाई की घटना का होना, वसंत कुंज में कुछ वेंडर्स की दुकानों का तोड़ दिया जाना और कालका जी में वेंडर्स और पुलिस के बीच में हुई झड़प वगैरह वगैरह। इन सारी घटनाओं में एक बात कॉमन है, समस्या हमेशा वेंडर्स के लिए ही खड़ी होती है। और ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्ट्रीट वेंडर्स होते कौन हैं, देश में इनको लेकर क्या कानून हैं और क्या ये कानून ज़मीन पर लागू हो रहे हैं या नहीं। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के अनुसार पथ विक्रेता यानी स्ट्रीट वेंडर से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो किसी गली, रास्ते, फुटपाथ, सड़क की पटरी, पार्क या अन्य किसी पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र में किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं बेचता है या जन साधारण को सुविधाएं प्रदान करने का काम करता है। इसमें हॉकर, खोमचे वाला, रेडी पटरी वाले व अन्य लोग आते हैं। अब इनको लेकर कानून क्या है। पहला, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। दूसरा, नेशनल पॉलिसी ऑन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स 2009। और तीसरा, महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन एंड अदर्स वर्सेस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। देखिए, 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था रेडी पटरी वालों के पक्ष में। उसमें ये कहा था कि किसी भी रेडी पटरी वाले को नहीं हटाया जाएगा, ठीक है ना, जब तक इनका टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वे नहीं हो जाता, इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं मिल जाता और इनको वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल जाती। स्पष्ट आदेश था। उनको कानूनी मान्यता ये मान के दी गई कि सड़क किसी की नहीं है, सड़क जनता की है और सरकार इसकी ट्रस्टी है। तो इसलिए स्ट्रीट वेंडिंग को 19(1) G के तहत मूलभूत अधिकारों में माना गया कि चूंकि जैसे जीने का अधिकार है वैसे जीविका का अधिकार भी है। लेकिन इस विषय की गंभीरता को बिना जमीन पर जाए सिर्फ इन कानूनों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। मेरा नाम कंचन देवी, मैं सरोजिनी नगर में समोसे जलेबी के रेहड़ी लगाते स्ट्रीट वेंडर या 25 साल हो गया मुझे मार्केट में रहते हुए। हाल फिलहाल में ऐसा कोई घटना हुई हो अगर आपके साथ, जहां पे आपको पुलिस ने या एनडीएमसी के किसी मेंबर ने आपको जो है दुकान लगाने से मना किया हो या किसी भी प्रकार? यानी बहुत बात होते हैं, बहुत बार आता है, अपना नहीं आते, अपना छुप जाते, दूसरे को भेज देता है, जाओ उसको रेहड़ी पकड़ के ले आओ, उसकी जगह पर से हटा दो, वो हट जाएगा तो हमें अच्छा रहेगा। वो मेन मुद्दा वहाँ पर कुछ करने नहीं देता है। तो जब तक हमारे सांस रहेगा जब तक मैं अपने चौक पर से मैं किसी को हटाना, और पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर कहीं लेडीज़ जेंट्स को भी घटना होगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। एमडीएमसी इलाका में ऐसा है, कमेटी पुलिस के आए प्रतिदिन हमेशा भागना पड़ता, ले के दौड़ दौड़ के, मगर अस्थाई नहीं रहने देते हम लोग का। कभी कमेटी आ गया, गाड़ी आ गया तो लेके रेडी लेकर उनको भागना पड़ता बार बार। कभी SHO आएंगे तो फिर भी रेडी लेकर उनको हटाना पड़ता है बार बार। तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है? सर्टिफिकेट वो फूड वेंडर लाइसेंस मिला हुआ, फिर उसको नहीं मान रहे एमडीएमसी इलाका में, कहीं नहीं मान रहे। मालियों का जो पार्क है उनकी तरफ से बॉल्सर गार्ड लगा रखे हैं, बॉल्सर गार्ड। तो वो आए वहाँ पर दुकानदारों के पास, उन्होंने कहा कि यहाँ से हटा लो। उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे कहाँ, जो 30-40 साल से हम लगा रहे हैं, हम जाएंगे कहाँ यहाँ से, हम तो नहीं हटाएंगे। इसी बात पे उन्होंने लट उठा लिए और ये दोनों तरफ से मारपीट हुई और जिसमें 15 आदमी बंद कर दिए गए, अंदर त्यौहार में पहुँचा दिए। कल सर सारा सामान मतलब ऊपरी से खींच के सारा फेंक दिया। सारा का मैंने वीडियो भी बना रखा है सर, और फेंकने के बाद सारा सामान अपनी गाड़ी में डाला और वो लेके चले गए। और मैंने कहा कि सर मेरे पास वेंडिंग सर्टिफिकेट है, हर चीज़ है, मेरे को दिखाने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा सामान भरा है। सर यहीं से किया है शुरू, यहीं से उठाना शुरू किया और सारा सामान भर लिया सर। और बावजूद मेरे पास सारा वीडियो है, उनका सारा वीडियो है मेरे पास, सारा वीडियो बना रखा है। और मेरा था सर पतीला था, चूल्हा था, गैस चूल्हा था और रेडी थी, करेटे थी सर, करेट, टोकरी, फल फ्रूट बहुत सारे थे सर, सब लेके गया। 2021 में बना था सर और सर्वे हुआ था मेरा। सर्वे होने के बाद यहाँ पे फ़ोटो खींची गई थी और टीबीसी मेंबर सारे मिलके ने सर्वे और नाम वाम सब लिख के गए थे। ब्लॉक 68 वार्ड का है और इससे मेरा फिर वेंडिंग सर्टिफिकेट पहले अप्रूवल हुआ, फिर वेंडिंग सर्टिफिकेट आया मेरे पास और बैंक से भी लोन लिया। फिर हमने LOR दिखा के MCD LOR बना के दिया तो बैंक से लोन हुई हमारी सर। कोर्ट भी जाते हैं तो कहता आपका TBCT करेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं तो कहता TBCT करेंगे, आपको TBCT बन गया, आप वो करेंगे। मगर उनको वो करने के राजी नहीं है कि क्या है, अपने मार्केट में बैठ कर को उन्होंने बताते नहीं है कि हमें चलो सब मिल कर को रेडी पट्टी वाले सब मिल कर हम ये करेंगे। उसको जिताए तो रेडी पट्टी वाले ना, हम लोग चुन के भेजाए थे चलो ये हमारे लिए काम करेंगे, मगर कुछ बताने के राजी नहीं है। अब ये TVC क्या है? TVC टाउन वेंडिंग कमेटी या नगर विक्रय समिति को आप ऐसे समझिए कि स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के तहत TVC के गठन का प्रावधान है। इसका काम स्ट्रीट वेंडर से संबंधित मुद्दों पर काम करना है। TVC अपने क्षेत्र में सभी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करेगी, उनका सत्यापन करेगी, वह वेंडर्स से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिक स्तर पर सुलझाने का काम करेगी। अभी दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में TVC का सर्वे नहीं हुआ है और जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? सेक्शन 3(3) है कि जब तक इनका सर्वे का काम, इनके रजिस्ट्रेशन का काम, सर्टिफिकेशन का काम और फोटो आई कार्ड भी बनना है इनका, ये सब व्यवस्था नहीं हो जाती। यानी कि वेंडिंग जोन में स्थान मिलने से पहले वाली व्यवस्था सेक्शन 3 में है। जब तक ये नहीं हो जाता अब इनको हटा नहीं सकते। अब होना ये चाहिए कि सेक्शन 3 तक लागू होने के बाद जब आपने सर्वे किया, हालांकि अभी सर्वे पूरा हुआ नहीं है, सर्वे होने के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद इनको तुरंत जगह मिलनी चाहिए कि भैया अब तुम कहाँ बैठोगे। जगह तो मिली नहीं, इसलिए कि वेंडिंग जोन बनाया ही नहीं तो कहाँ से वो बैठाएंगे। प्रॉब्लम सारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो सर्वे करेंगे रेरी पटरी वाले के जो 2014 के कानून आए उसके तहत इनको सर्वे करना चाहिए कि कौन वेंडर कहाँ है क्या है, उसको वहीं पर जाकर सर्वे करना चाहिए। या तो दफ्तर में नहीं या तो बूथ पर नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जो आदमी जहाँ लगा रहा है वही करना चाहिए सर्वे, वहाँ हो नहीं रहा, वहाँ नहीं हो रहा सर। तो आपका सर्वे हुआ नहीं तो आपको सर्टिफिकेट मिला वेंडिंग का? नहीं, यहाँ बिल्कुल NDMC में किसी को नहीं मिले, NDMC में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं मिले, ना तो कोर्ट के ऑर्डर वाला तहबाजारी वाले को किसी को नहीं मिले, ना रेडी पटरी वाले के किसी को नहीं मिला, सर्वे हो ही नहीं रहा है। अब दूसरा सवाल ये है कि सर्वे क्यों नहीं हुआ? सर्वे करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 कंपनियां रखी थी, दिल्ली सरकार ने 2019 में इनकी पॉलिसी आई सर्वे की, 2 कंपनियां रखी, उन्होंने काम भी शुरू किया, लेकिन वो काम एक आईवास की तरह हो गया। लेकिन 2019 में शुरू किया इन्होंने, 2019 में पॉलिसी आई थी और उसके बाद काम शुरू होने के बाद कोरोना आ गया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने भी काम पूरी शिद्दत से नहीं किया। हम TBC के एक मीटिंग में भी गए थे, मैंने देखा एक आम शिकायत थी कि जो सर्वे वाले हैं वो टाइम से नहीं पहुंचते हैं। दिल्ली में लगभग 5 लाख के करीब वेंडर्स हैं। सर्वे हुआ था, जब सर्वे बंद हुआ था उस समय लगभग 73,000 लोगों के सर्वे हुआ था। आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं, इससे पहले 2007 में चोपड़ा कमेटी ने सर्वे किया था, उसमें लगभग 1,32,000 लोगों की लिस्ट है वो। बल्कि ये जो टीबीसी बनाने के लिए जो चुनाव हुए, टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने के लिए चुनाव में समस्या थी कि वोटर कौन होगा, कौन चुनेगा अपना प्रतिनिधि। उसके लिए आधार उसी को बनाया गया था जो चोपड़ा कमेटी की लिस्ट है, 1,32,000 लोगों की। उन्हीं लोगों ने वोट दिया था। और अभी जो टीबीसी बननी थी ये एक टेम्पोररी टीबीसी है, ये सिर्फ इसके लिए सर्वे कराने के लिए, सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए। इसके बाद रेगुलर टीबीसी बनेगी जिसमें बहुत सारे प्रयोजन हैं, ग्रीवांस कमेटी है, जोन्स का रखरखाव है, ये है, बहुत सारे इसमें प्रोविजंस हैं जिसमें इनके ट्रेनिंग का, इनके विकास का, इनके लिए लोन की व्यवस्था करने का, वो सारी उसमें है। और फिर इनसे वो जगह का किराया वसूल करने का, रेंट इनसे लिया जाएगा, जो भी जगह दी जाएगी, रेंट का कितना होगा, कैसे होगा, ये सब उसमें व्यवस्था है। लेकिन आज तक ये टीबीसी बन ही नहीं पाई इस सेंस में कि ये जो सर्वे कराने के लिए टीबीसी बनी थी अभी तक वही है। अब इनकी जिम्मेदारी सिर्फ सर्वे तक थी, आगे ग्रीवांसेज निपटाने की, इनकी समस्याएं सुलझाने की ये तो कुछ रही ही नहीं सर। इसलिए कि ये हमारे जितने टीबीसीडी के नंबर सारे गए हैं, सारे इन्होंने अपने अपने रोटी सेक रहे हैं। ये हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। अपने रोटी सेकने के चक्कर में हम सोच रहे हैं हमारे जितने टीबीसीडी के नंबर हैं 6 महीना या साल भर में उनके बदल के टीबीसीडी के नंबर बनाए दूसरे चुन को। फिर सर्वे हुआ 73,000 समथिंग का, बाकी कहाँ चले गए। अब सर्वे भी कैसा हुआ, जिसने पैसा दिया उसका सर्वे हो गया, जिसके पैसा नहीं दिया उसका सर्वे नहीं हुआ। एक तो ये चला यहाँ पर, सर्वे में भी यही हुआ है कि जिसने पैसा दिया तो टीबीसी वाले आए, अपने अपने लोग करा करके अपने चले गए, खूब पैसा उगाई हुई है। दूसरी बात है टीबीसी में 30 मेंबर होते हैं, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है एमसीडी का। इसके अलावा गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पीडब्ल्यूडी के लोग हैं, हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग हैं, 2 पुलिस के अधिकारी होते हैं एसीपी रैंक के, एक दिल्ली पुलिस का और एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का। इसमें 2 सदस्य एनजीओ के होते हैं। और दुख की बात यह है कि अगर आप एक्ट पढ़ेंगे तो सारी जिम्मेदारी जो है इनका काम चलाने के लिए टीबीसी और इनकी यूनियंस का है, जबकि यूनियंस को प्रतिनिधित्व पूरा नहीं दिया गया। उसमें 30 मेंबर्स में से 1 मेंबर पे 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, यूनियन और बैंक। अब बताइए जिस टीबीसी में यूनियन का बंदा होगा वहाँ बैंक का नहीं होगा, जहाँ बैंक का होगा वहाँ यूनियन का नहीं होगा। ये बात हमने चीफ मिनिस्टर के पास से मिल के उनके सामने भी उठाई थी, लेकिन वो आज तक अमेंड नहीं हुआ। 30 में से 40% डायरेक्ट हाकर्स हैं, वेंडर्स हैं, इसलिए कि उनके इंटरेस्ट की बात है तो उनका रहना ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि टीबीसी की मीटिंगों में चूँकि गवर्नमेंट अधिकारी बहुत होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इनकी बात सुनी नहीं जाती, वो अपना जो करना होता है कर देते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि 2014 के बाद भी कभी भी शहरी विकास मंत्रालय ने, पीडब्ल्यूडी ने, लैंड डेवलपमेंट ने, डीडीए ने कभी इस पर विचार नहीं किया है कि वेंडिंग जोन कहाँ बनाया जाए। इस पर एक केस भी चल रहा है, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन ने हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ है कि 2007 से जितने भी यहाँ दिल्ली के प्लान बनना या प्लान को रिवीजन करना, डेवलपमेंट के प्लान, उनमें कहीं भी वेंडिंग जोन की चर्चा नहीं हुई है। एक्ट में साफ दिया हुआ है कि रेहड़ी पटरी का संबंध ना तो पुलिस से है, ना डायरेक्ट एमसीडी से, किसी अथॉरिटी से नहीं है। रेहड़ी पटरी का संबंध टाउन वेंडिंग कमेटी से है और शहरी विकास मंत्रालय से है, तीसरा कोई दलाल उसमें नहीं है। अब सवाल ये है कि शहरी विकास मंत्रालय से, वहाँ से प्लान बनता है, वही सब कुछ करता है, उसी के आधार टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है, तो एमसीडी का डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। अब टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, वो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है। डिप्टी कमिश्नर ने आज तक अपने को चेयरपर्सन ही नहीं माना है एज ए डीसी। तो मैं जब बात करता हूँ तो मैं उससे पूछता हूँ कि आप डीसी लेवल पे बात कर रहे हो कि चेयरपर्सन लेवल पे बात कर रहे हो। मैं तो चेयरपर्सन से मिलने आया हूँ, क्योंकि डीसी का कोई महत्व तो नहीं है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में, केवल चेयरपर्सन है। अगर चेयरपर्सन है तो मैं बात करूँ, वरना मैं बात ना करूँ। मैं डीसी से बात करने नहीं आया हूँ रेडी पटरी का। तो सवाल ये है कि उसकी मानसिकता है कि मैं डीसी हूँ, अगर वो अपने को चेयरपर्सन मान ले तो ये सोचना बंद हो जाए। अब इतने सारे कानून हैं और गाइडलाइंस होने के बावजूद इन्हें प्रताड़ित क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां न्यायालय का कहना है अनफॉर्चुनेटली द स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स हैव रिसीव्ड रॉ ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टेट अपैरेटस बिफोर एंड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। They are harassed a lot and are constantly victimized by the officials of the local authorities, the police, etc., who regularly target them for extra income and treat them with extreme contempt. यानी पैसा बीच में आ जाता है। जो कॉलम 4 है उसमें स्पष्ट दे दिया है इनका जो शोषण होता है, शोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि जो अथॉरिटी है, जो पुलिस है, उसने बाकायदा इनकम का जरिया बना रखा है, इनको लिखा हुआ है, बाकायदा जजमेंट दे रखा है, कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। ये जैसे हमें कमेटी पुलिस के साथ हो गया और 3-4 लड़का उनके पीछे घूम रहा, तो पुलिस कमेटी साइड रहता है, उनके साथ दूसर कोई आता पैसा लेने के लिए, हर हफ्ते दुकान पर आते पैसा लेकर को दूसर लड़का लेकर के फिर उगा करके उनको देते हैं। वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, ना एनडीएमसी आता है ना पुलिस वाले, उनके लड़के लोग देते हैं उगाई कर को। पुलिस वाले बीच में आते हैं, जैसे कोई एमसीडी ने कहीं जगह साफ़ की, चाहे कोर्ट के आर्डर से किया या अपने आर्डर से किया, आर्डर कभी दिखाते नहीं है कि यहाँ से हटाने का आर्डर है, कभी नहीं बतलाया उन्होंने, हटा दिया। वहाँ पर पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है कि ये जगह फिर खाली रहनी चाहिए, साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। अब चूँकि इसमें बीच में पैसा भी आता है, धीरे धीरे वो बिठाना शुरू कर देते हैं। हम दोनों मिल करके अपना बिजनेस करते हैं और इसी समय आगे बच्चे को अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हमें यह चाह रहा है कि जैसे हमने रेडी पट्टी पा रहा है, आगे चल के कुदरत ना करे बच्चे भी आए, ये भी तो सोचना पड़ता है ना हम लोग का। तो आगे हम लोग के अभी बहुत कष्ट हुआ मार्केट में, सरोजिनी नगर मार्केट में बेहतर कष्ट से, फिर भी हमने बच्चे का अपना पाले किसी तरह। अब आगे भगवान अभी जो अच्छा चल रहा है, अपना दोनों मियाँ भी कमाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई जो है कर रहे हैं। अब देखिए स्ट्रीट वेंडर्स की जो कम्युनिटी है, लगातार इनका एक्सप्लॉयटेशन होता आया है। अलग अलग लोग इनको हमेशा से ही समाज के हाशिए पर रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? 2014 में इनको लेकर के एक कानून बन गया, इनको लेकर के अलग अलग पॉलिसीज आई और बहुत सारे संगठन भी इनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद अथॉरिटीज़ इनको एक्सप्लॉइट करती हैं, इनको परेशान करती हैं, ऐसा क्यों है? इन सारे सवालों का जवाब हमें और आपको मिलकर तलाशना होगा, तभी शायद आने वाले समय में इनकी स्थिति और बेहतर हो सके।